चाय बनाना किसे नहीं आता है, सब लोग बनाते भी है और पीते भी है। नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ दो तरह के मसाले वाले चाय। एक नॉर्मल है और एक थोड़ा सा ज़्यादा मसाले वाले चाय है, एक गुजराती फ्लेवर में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मेरा है अदरक और इलायची वाला चाय और इसमें है काफ़ी सारा मसाला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसको शेयर करना भूलना मत। फिर मसाला चाय बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मसाला चाय बनाने के लिए मैं 2 कप चाय बनाऊंगी। उसके हिसाब से मैं चीनी लिया है, चाय पत्ती लिया है, और जो मसाला मैं बनाऊंगी उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे अदरक लिया है, थोड़ा काली मिर्च है, दालचीनी है, यहाँ पे इलायची है, लौंग है, और ये जायफल है। इन सबको मैं, आप लोग ये सारे यहाँ पे आप सूखे अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको सौंठ बोलते हैं। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला के आप पाउडर बना के रख सकते हैं, लेकिन मैं इंस्टेंट बना रही हूँ इसलिए मेरा अदरक जो मैं कच्चा अदरक यूज़ कर रही हूँ, इन सबको मैं अभी एक हमाम दिस्ता में इन सबको अभी कूट लूँगी मैं। और 1 कप दूध लिया है और 1 कप पानी लिया है। पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें सारे मैं मसाले डाल दूँगी, इनको थोड़ा सा मैं कूट लिया है, इनको डाल दूँगी। देखिए ये उबल रहा है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, इसे पीना बहुत ही अच्छा है। अभी कोरोना के वजह से बोलते हैं जितने चाय, काली मिर्च, अदरक, ये सबका सेवन करना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं ऐसा चाय भी बना के पीजिए। ये एक तरह से इम्यूनिटी भी बूस्ट करेंगे और एक साइड से आप इम्यूनिटी भी बूस्ट कर सकते हैं, और एक साइड से इसका स्वाद, फ्लेवर सब कुछ बहुत ही अच्छा आएगा, पीने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूरा गुजराती फ्लेवर वाला है। अभी मैं इसमें चाय पत्ती डालूँगी। ऐसी चाय गुजराती लोग बहुत बना के पीते हैं। मैं वहीं पे ऐसी चाय बनाना सीखी थी, पहली बार वहीं पे मैं अहमदाबाद में ऐसी चाय पिया था। मैं डालूंगी, मैं चाय पत्ती भी बहुत अच्छी से बॉयल हो चुका है, अभी इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार चीनी। आप लोग जितना मीठा खाते हैं उसी हिसाब से डालना, और इसको अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है इसमें से। चाय अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, अभी इसमें मैं दूध डाल दूंगी। थोड़ी देर बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। मेरा बन चुका है, अभी मैं इसको सर्व कर दूंगी। अदरक इलायची वाली चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, 2 कप चाय बनाऊंगी मैं, और 1 कप गाढ़ा दूध लिया है, और यहाँ पे मैं 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और 2 इलायची लिया है, और मैं स्वाद अनुसार चीनी ऐड करूँगी। बनाना शुरू करते हैं। मैं पहले 1 कप पानी डाल दूँगी। देखिए अदरक और इलायची को मैं थोड़ा सा कूट लिया है, अभी मैं पानी में इसको डाल दूंगी, अच्छे फ्लेवर आएंगे, पहले ही डाल दूंगी, उसके बाद मैं चाय पत्ती डालूंगी। अभी मैं इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डालूंगी और तीनों को अच्छी तरह से बॉईल होने दूंगी। अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, अभी इसमें मैं स्वाद अनुसार चीनी डालूंगी। यहाँ पे मैं 2 छोटे चम्मच चीनी डाल रही हूँ, आप लोग जैसे पीते हो वैसे ही डालना। ये अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुका है, अभी मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिला, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और इससे पीते ही तो एक ताजगी सी आ जाती है। सुबह शाम 1 कप अदरक इलायची वाली चाय मिल जाते बस क्या बात है। और अभी कोरोना के वजह से तो अदरक बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए तो मैं सजेस्ट करूंगी ज़रूर बना के पीजिए। आप सब लोग अदरक डाल के पी रहे हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा इलायची डालने से और भी इसकी खुशबू और भी अच्छा बढ़ जाती है। चाय मेरा रेडी है, मैं अभी इसको छान लूँगी। अदरक इलायची वाली चाय रेडी है, मैंने इसको सर्व भी कर दिया है।